गुड मॉर्निंग बच्चों, वंदे मातरम। पिछले वीडियो में अपना जो टॉपिक है सरकार क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ी थी। सरकार के क्या काम है वो पढ़ा था। आज है सरकार के स्तर, सरकार के पहला स्थानीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा केंद्र सरकार। स्थानीय सरकार दो तरह की, ग्रामीण स्थानीय सरकार और शहरी स्थानीय सरकार। यानी स्थानीय सरकार का काम गांव, शहरों व मोहल्लों में विकास करना। राज्य सरकार का काम है पूरे राज्य में विकास व शांति स्थापना। जैसे अपने राजस्थान राज्य की जो राज्य सरकार है, उस राजस्थान राज्य की राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो पूरे राज्य में विकास कार्य करवाए, पूरे राज्य में शांति स्थापना करे। बिहार राज्य की सरकार है, वो बिहार राज्य में विकास कार्य और शांति स्थापना करे। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार है तो वो अपने पूरे हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य की जो राज्य सरकार है वो हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य करवाएगी, वहां पर शांति स्थापित करेगी। आगे है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश में विकास कार्य व शांति स्थापना। सीमा सुरक्षा, विदेशों से संधि, ये सब कौन किसका काम है? केंद्र सरकार का। स्थानीय सरकार गांव, शहरों और मोहल्लों में विकास करवाती है। स्थानीय सरकार दो तरह की होती है, ग्रामीण स्थानीय सरकार और शहरी स्थानीय सरकार। राज्य सरकार पूरे राज्य में विकास व शांति स्थापना। अब पूरे राज्य का मतलब जैसे अपने राजस्थान राज्य है तो राजस्थान राज्य की राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे राज्य का विकास करवाए, पूरे राज्य में शांति स्थापना करे। केंद्र सरकार का काम है पूरे देश में विकास कार्य में शांति स्थापना, सीमा सुरक्षा, विदेशों से संधि और जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये किसका काम है? केंद्र सरकार का काम। आगे है अब राज्य सरकार एवं कानून। सरकार एवं कानून, यानी सरकार कानून बनाती है, उन कानूनों को लागू करवाती है और उन कानूनों को देश के नागरिकों को मानना जरूरी होता है।
सरकार कानून बनाती है, सरकार कानून बनाती है, और देश में रहने वाले नागरिकों को ये कानून मानने होते हैं। अब देश के नागरिक ये कानून नहीं माने तो सरकार कानून बनाने के साथ साथ ही कानून के नियम, कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी ये प्रशासन की होती है। अब देश का नागरिक अगर कोई कानून नहीं माने तो उस कानून में जुर्माने की व्यवस्था भी दी होती है। जैसे मान लो कि सड़क सुरक्षा कानून बनाया गया, सड़क सुरक्षा कानून। अब इसमें मान लो कोई भी वाहन चलाते हैं तो उसके लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। अब अगर मान लो दूसरा मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना, मारुति आदि चलाते समय सीट बेल्ट लगाना आदि। अब ये थोड़ा ही कि सरकार का काम है भाई कानून बना दिया, कानून बना के लागू कर दिया, अब नागरिकों के ऊपर है, लोगों के ऊपर है उस कानून को माने कि नहीं माने। नहीं, सरकार कानून बनाती है, उस कानून बनाने के साथ साथ उसमें लागू करने की शर्तें होती है, और शर्तें नहीं माने, उन शर्तों का उल्लंघन करे तो उसके लिए जुर्माना भी होता है। जैसे सड़क सुरक्षा कानून लागू किया गया, उसमें पहली प्राथमिकता है कि कोई भी वाहन चलाते हैं तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो उसको जो यातायात प्रभारी होते हैं वो चेकिंग करते हैं, तब अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिले तो उसमें क्या किया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। ये जुर्माना क्यों लगाया जाता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि सरकार अपना खजाना भरे, नहीं, इसका उद्देश्य होता है कि इस जुर्माने के डर से लोग इस कानून का पालन करें। जैसे मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना, अब हेलमेट पहनना कोई सरकार को थोड़ा ही फायदा, कोई लोग कोई हेलमेट पहने उससे सरकार को फायदा नहीं। वाहन दुर्घटना होती है, सिर में गहरी चोट आती है, हेलमेट पहनने से सिर की जो चोट होती है वो बचती है, क्योंकि अगर हेलमेट नहीं, ये देखा गया है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते, वाहन दुर्घटना होती है तो सिर में गहरी चोट की वजह से मौतें ज्यादा होती है, तो सरकार ने हेलमेट लागू कर दिया। अब हेलमेट नहीं पहना तो उसके लिए जुर्माना लगाते हैं, तो जुर्माना इस सुविधा के अनुसार लगाते हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं करे और हेलमेट पहने। मारुति आदि चलाते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, क्यों लगाना जरूरी है, अचानक ब्रेक लगाने की नौबत आ जाए, सीट बेल्ट क्या होता है, पीछे खींचा रहता है, अचानक ब्रेक लगाने की नौबत आ जाए तो सीट बेल्ट रोकती है ताकि जो सवारी बैठी हुई है, जो भी बैठे हुए हैं वो आगे की ओर नहीं झुके। ये होता है सरकार का काम, सरकार कानून बनाती है, उस कानून को लागू करवाती है। ये किसका काम है, सरकार का काम है। अब है सरकार के प्रकार।
सरकार के प्रकार। पहला लोकतंत्रात्मक, या जनतंत्र। दूसरी है राजतंत्रात्मक सरकार। लोकतंत्रात्मक सरकार में जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। जबकि राजतंत्रात्मक सरकार में सरकार काम किया राजा या रानी होता है। लोकतंत्रात्मक सरकार में जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। कैसे चुनती है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। क्योंकि भारत जैसे लोकतंत्र देश में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अधिकार दिया गया है, उसके आधार पर जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। वो शासक संविधान के आधार पर यानी कानून के आधार पर क्या करता है? शासन करता है। किसके आधार पर करता है? संविधान के कानूनों के आधार पर। राज्य दूसरी है राजतंत्रात्मक सरकार। इस सरकार का मुखिया राजा होता है। इस सरकार में कोई कानून नहीं होता, कोई संविधान नहीं होता। राजा की सहायता के लिए एक सलाहकार समिति होती है। इस सलाहकार समिति से सलाहकार समिति की सलाह के आधार पर राजा या रानी अपना शासन। लोकतंत्रात्मक सरकार या राजतंत्रात्मक सरकार में अंतर, सबसे पहली मोटी बात देखो आप, भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुना जाता है। यानी राष्ट्र भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष रूप से
जनता द्वारा चुना जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा, कैसे कि राज्य की जो विधानसभा के सदस्य हैं जिनको बोलते हैं एमएलए, उनको वोट कौन देता है? जनता। भारत की जो संसद है उस संसद में सांसद बैठते हैं, लोकसभा सदस्य, उनको वोट देता है कौन? जनता। राज्यसभा है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करती है? राज्य की विधानसभा के सदस्य। अब लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन या लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनती है? जनता। राज्य विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनती है? जनता। राष्ट्रपति को वोट कौन देते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी विधानसभा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करती है? जनता करती है। फिर ये सदस्य किसका निर्वाचन करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यानी जनता राष्ट्रपति को कैसे चुनती है? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। ये तो हुई व्यवस्था कहां पर है? भारत में, क्योंकि भारत में लोकतंत्रात्मक सरकार है, लोकतंत्रात्मक शासन। अगर बात करें अपन इंग्लैंड की या ब्रिटेन की, तो वहां पर अभी राजा या रानी का शासन, वहां पर प्रधानमंत्री तो होता है लेकिन प्रधान जैसे अपने यहां पर राष्ट्रपति है, वहां पर रानी है, क्वीन। एलिजाबेथ यानी राजतंत्रात्मक सरकार में सरकार का मुखिया राजा या रानी होता है। उदाहरण ब्रिटेन या इंग्लैंड, वहां पर जैसे अपने भारत में राष्ट्रपति है, वहां पर रानी है और वो रानी ही शासन की देखरेख करती है, शासन की देखरेख करती है। यानी इस रानी के निर्देशन में शासन चलता है। आज की वीडियो में इतना ही, इसको आप नोट्स की कॉपी में उतारेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।